तो आजकल क्या होता है सिंगल होने का नाटक करता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो है मिंगल बात करता है चेट करता है सब करता है लेकिन बोलता है मैं सिंगल कोई गारंटी नहीं कि आप जिसको चाहते हैं वो इसी बापी के साथ है तो हेलो दोस्त आप आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ जी हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आज का ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बताने वाला हूँ कि एक लड़का ने मुझे बताया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या करूँ क्या नहीं मतलब डिप्रेशन में पूरी तरह आ गया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बड़ा कारण वो खुद है वो खुद है क्योंकि उसके फ्रेंड है क्योंकि आजकल जो होता है ना सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आजकल लड़का भी दो चार गो रखता है लड़की भी दो चार गो रखती है तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है आज का मैं कुछ टॉपिक्स पे टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ सबसे तो स्पेशल बात है कि सबसे बड़ी टॉपिक है कि लड़का बोलता है कि क्या सिर्फ लड़के ही धोखा देते हैं या लड़की धोखा देती है तो यकीन मानिए धोखा दोनों ही दे रहे हैं मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कह रूँगा मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताने वाला हूँ कि क्या होता है एक्चुअली जो होता है ना धोखा लड़के भी देते हैं लड़की भी देते हैं सबसे बड़ा हम बताते हैं क्योंकि आजकल जो होता है लड़के भी तीन चार रखते हैं लड़कियाँ भी तीन चार रखती है तो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है इसमें जो बच जाता है जो सिंगल लौंडा है सिंगल बोलता है कि हम सिंगल हैं भाई सिंगल है तो सिंगल ये अपनी वजह से होते हैं क्योंकि जो आजकल एक लड़का अगर चार लड़की घुमा रहा है या चार एक लड़की चार लड़का घुमा रहा है तो सिंगल तो सिंगल तो आदमी का जो हक है वो लोग तो यही डबल लोग मार रहा है यही डबल लोग ही मार रहा है ना ये लोग का हक तो तो एक्चुअली क्या किया जाए सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सब का फिर टॉपिक नंबर टू है इन सबका सोल्यूशन किया जाए सोल्यूशन क्या होगा आजकल सबसे बड़ा चीज़ है सोशल मीडिया फेसबुक आप इसमें से क्या कर सकते हैं ना कि इसमें तो लिखा हुआ है रिलेशनशिप है कि नहीं ठीक है तो इसमें हम लोग को एक करना पड़ेगा रिलेशनशिप के साथ उसका नाम भी देना पड़ेगा उसका नाम कि रिलेशनशिप में है लेकिन किसके साथ है अगर लड़का भी देगा उसका नाम और लड़की भी देगी उसका नाम तो ऑटोमेटिक अगर वो तीन चार गो रखता है या लड़की भी तीन चार गो रखती है तो जाहिर सी बात है वो तीनों में टकराव हो जाएगा कि तुम उसको भी रख रही हमको भी रख रही है या लड़का बोलेगा उसको रख रहा है इसको रख रहा है तो उसमें क्या होगा एक दूसरे में झड़प हो जाएगा और सबसे ब्रेकअप हो जाएगा लास्ट में क्या होगा कि एक वो, वो मना पाएगा तो ठीक है वरना ज़्यादातर लड़का लड़की अलग हो जाएगा तो उसमें क्या है कि सिंगल जो लौंडा लोग है उन लोग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो इस बात को समझना चाहिए तो आजकल सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़का लोग खुद क्योंकि जब देखता है कि मेरा दोस्त है आजकल सबसे बड़ा क्या होता है कि आपका दोस्त तीन चार गो रखता है और आप सिंगल है बड़ी चीज़ ये है उसी तरह आपको खुद समझाना पड़ेगा कि देखो भाई हम लोग सिंगल लड़का लोग तुम लोग तो पूरा ज़िंदगी जी रहा मस्त मस्ती कर रहा लेकिन जो होता है कि सिंगल लड़का लोग का लाइफ झंड हो जाता है बिल्कुल ही मतलब काबू में नहीं रह पाता है। इसलिए उनका सॉल्यूशन वो खुद ही कर पाएंगे तो बेस्ट है उसी तरह अगर लड़की भी करेगी किसी का अगर रिलेशनशिप में रहो उसका नाम लिखो नहीं लिखना ही पड़ेगा यार ये तो गलत हो रहा है फिर तुम बोलोगे लड़के धोखेबाज होते हैं लड़कियाँ धोखेबाज होते हैं अरे सबसे बड़ा धोखेबाज है तुम लोग खुद देता है एक दूसरे को इसमें गलती तुम ही लोग का होता है बाकी किसी लोग का नहीं धोखेबाज तुम लोग खुद है और तुम लोग ज़िंदगी इसमें सिर्फ एक दूसरे का ही खराब कर रहा है क्या पता है भाई सिंगल होने का भी थोड़ा सोचो इसलिए आप लोग इस बात को समझें ठीक है ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो अभी डबल है उनके लिए बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या आप ही का फ़ायदा होगा कोई गारंटी नहीं कि आप जिसको चाहते हैं वो सिर्फ आप ही के साथ है है नहीं सकता ये बात लड़का के लिए भी है लड़की लेके भी है इसलिए एक दूसरे को अगर आप लोग वाकई में एक दूसरे को चाहते हैं अगर लड़का सच में लड़की को चाहता है तो उनका इन रिलेशनशिप में उसका नाम लिखे अगर लड़की सच में लड़का को चाहता है तो इन रिलेशनशिप में उसका नाम दे आप लिखें उसमें से क्या होगा कि नाम की वजह से कुछ होगा नाम की वजह से या कुछ उसका उसके बाद उसका प्रोफाइल दे फेसबुक प्रोफाइल समझे इसीलिए तभी कुछ सोल्यूशन होगा नहीं तो कुछ सोल्यूशन नहीं होगा धोखेबाज धोखेबाज मिल जाएगा और बाकी सिंगल तो वो एक लड़का मेरे को मिला कि भाई हम सिंगल हैं इसके वजह से बहुत तकलीफ बढ़ा तकलीफ तुम लोग खुद है तुम लोग आवाज नहीं उठा रहा है कि भाई जो लड़कियाँ आजकल हो रहा है तो सिंगल एल? सिंगल लोंडे कुछ तो कारण होगा इनका कारण वो खुद होते हैं जिनके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिसके वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं डिप्रेशन माइंड में होता है ये एक जिंदगी का एक पथराव है टकराव है इसको पार करना ही पड़ता है हर किसी को करना पड़ता है और जो नहीं करता है वो भाई दिक्कत में पड़ जाता है आप लोग को पता है कि आपके अगल बगल में दो चार को सिंगल होगा आप देखिए नोटिस कीजिए लेकिन बहुत के आजकल क्या होता है सिंगल होने का नाटक करता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो है मिंगल बात करता है चेट करता है सब करता है लेकिन बोलता है मैं सिंगल ये बहुत गलत बात करता है और इसमें क्या करता है सिंगल बोल के वो तीन चार गों को घुमाता है तीन चार गो को घुमाती है सिंगल है उन लोग का बेचारा को तकलीफ हो जाता है देख देख के वो लोग को बात सुन के माथा खराब हो जाता है इसलिए अगर आप लोग को भी सही करना है तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरा सच में लव है या सच में लव है तो इस तरह करना पड़ेगा वरना कोई ऑप्शन नहीं है यही बोल के आप सभी से मैं थैंक यू करता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत